हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लस्टर एक फिल्म्स। मेरा नाम है नदीम खान और आज मैं आपको बताऊंगा कि इजी वे में आप हाइपरलैप्स कैसे शूट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं लोकेशन पे। तो मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ, आप जैसा कि देख सकते हो लोकेशन। मैं यहाँ पे से प्लान कर रहा हूँ शूट करने का, क्योंकि ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे टाइल्स है तो मुझे मार्क करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आप लोग मार्क करके ही फ़ोटोज़ क्लिक कीजिएगा। तो आपको बेसिक चाहिए कैमरा, एक वाइड एंगल लेंस और एक मोनोपॉड या ट्राईपॉड। अगर आपका हाथ स्टडी है तो आपको ट्राईपॉड की ज़रूरत नहीं होगी, और नहीं है तो आपको एक ट्राईपॉड या मोनोपॉड चाहिए। तो चलते हैं कैमरा सेटिंग की तरफ। सबसे पहले आप इमेज को रॉ पे कर लीजिए, क्योंकि जो भी बेस्ट क्वालिटी कैमरा का रहेगा रॉ पे मिलेगा, आप पोस्ट प्रोडक्शन में उसको ये कर सकते हो। फिर आप वाइट बैलेंस को ऑटो कर लीजिए। उसके बाद पिक्चर स्टाइल को आप न्यूट्रल में कर लीजिए। उसके बाद ग्रेड को ऑन कर दीजिए। मैं 3:3 ग्रेड ऑन कर रहा हूँ, ताकि आपका जो फ्रेम रहे वो स्ट्रेट रहे। और फोकस पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ 1 पॉइंट। सीधा इसके टॉप पे फोकस करूँगा जो भी मैं क्लिक करूँगा पिक्चर और मूव करूँगा। तो मेरा अपर्चर है 1:200, एफ स्टॉप 11, आईएसओ है मेरा 1600। लाइट बहुत कम है इसलिए मैं डे टू नाइट शूट कर रहा हूँ, तो बाद में मैं अपर्चर से मैनेज करूँगा लाइट को मैन्युअली। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि मैं टाइल्स को प्रेफरेंस लेके मैं पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप मार्क कर सकते हो या आप 1 स्टेप ले सकते हो या आप 2 स्टेप भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका क्या नीड है। तो अगर आपको 10 सेकेंड का टाइम लैप्स या हाइपर लैप्स बनाना है तो आपको 24 फ्रेम पर सेकेंड चाहिए या 30 फ्रेम पर सेकेंड, तो मैं 24 प्रेफर करता हूँ। तो 24 फ्रेम पर सेकेंड के लिए आपको 10 सेकेंड का वीडियो बनाने के लिए आपको 240 शॉट्स लेना होगा। डिपेंड करता है कि आपको कितना लॉन्ग चाहिए और कितना शॉर्ट टाइम लैप्स चाहिए। तो मैंने लाइट रूम में इसको इम्पोर्ट कर लिया है, आप इम्पोर्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली, आप फोल्डर से भी इम्पोर्ट कर सकते हो। तो ये मेरा टोटल पिक्चर है। डेवलप मोड में जाइए। डेवलप मोड में जाने के बाद यहाँ पे आप क्रॉप कर लीजिए, क्योंकि पिक्चर 3:4 है, तो इसको क्रॉप कर लेते हैं 1920x180 पे। उसके बाद यहाँ डन कर लेते हैं। उसके बाद आप बेसिक कलर करेक्शन कर लीजिए। जो भी आपका बेसिक कलर करेक्शन करने के बाद में यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार जाके लास्ट में, लास्ट का फ़ोटो में एक बार कलर देख लीजिए आप कि बहुत ज़्यादा ब्राइट तो नहीं हो जा रहा। उसके बाद आप फर्स्ट पिक्चर में आइए और इसको कॉपी कीजिए, और एक बार आप देख लीजिए कि इसमें टिक है कि नहीं है सब में, सेलेक्ट ऑल करके पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। नेम डाल देता हूँ हाइपरलैप्स 111। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए। रेजोल्यूशन में हम 300 कर लेते हैं, क्वालिटी 100 कर देते हैं। नेम कस्टम नेम में सिक्वेंस सेलेक्ट करके यहाँ पर 1 कर लीजिए, या मैं हाइपरलैप्स 1 कर ले रहा हूँ। उसके बाद इसको आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। ओके, एक्सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं प्रीमियर प्रो पे। प्रीमियर ओपन होने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाइपरलैप्स 1 1, देन ओके। उसके बाद यहाँ ऑप्शन में जाके आप इम्पोर्ट कर लीजिए डेस्कटॉप। यहाँ पे मेरा फोल्डर है, तो आप पहला नंबर को लेके आप यहाँ नीचे में मेक श्योर इमेज सीक्वेंस में क्लिक करके ओपन कर लीजिए। उसके बाद ये आपका एक सीक्वेंस में आ गया है। सबसे पहले हम लोग फ्रेम रेट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप आइए, लेफ्ट कॉर्नर पे आपका सीक्वेंस, उसके बाद यहाँ पे डिजिटल SLR 1920x180, ओके 24 फ्रेम, तो आप 24 फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको ओके कर लेते हैं। उसके बाद ये सीक्वेंस को ट्रैक करके यहाँ ला लेते हैं, और अपना फुटेज को ट्रैक करके यहाँ ला लेते हैं, कि यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी मेरा फुटेज जो है वो बहुत जर्क कर रहा है, फुटेज मेरा बहुत जर्क कर रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं इफ़ेक्ट में, वर्क स्टेबलाइज़र। तो वर्क स्टेबलाइज़र को इसमें डालते हैं। स्मूथनेस को 25 कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, तो थोड़ा टाइम लेगा, तो वेट कर लेते हैं इसको कंप्लीट होने के लिए। ओके, ये डन हो गया है। इसको रेंडर कर लेते हैं, इंटर मार के आप रेंडर कर लो। रेंडरिंग होने के बाद अभी आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, इतना ओके है।
उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेते हैं मीडिया 264 कस्टम, यहाँ पे यूट्यूब 4K। ओके, यहाँ पे हम टारगेट बिट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं एप्पल लैब्स फैनल। ओके, सेव, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट होने के बाद आपका ये एप्पल लैब्स फैनल है हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।